नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आज ग्राम छीमक मानपुर भतरी फतेहपुर खेरबाया में पानी के साथ ओले गिरे। बताया जा रहा है कि अभी बारिश होने के कारण खड़ी गेहूं की चमक चली जाएगी और करीब 4 दिन कटाई का काम रुक सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश होती है तो किसान बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बताया कि ओले के साथ पानी भी और हवा भी चल रही है, जिससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। अभी फसल 20% ही कटाई हुई है, उसके अलावा 80% गेहूं की फसल खेतों में ही खड़ी हुई है। अगर इससे अधिक बारिश होती है तो कई किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जबकि कई जगह गेहूं की फसलों में आग भी देखी गई है, जिससे किसानों का गेहूं की फसल जल चुकी है। छीमक मानपुर भंतरी फतेहपुर खेरवाया समाया आदि में करीब 20 मिनट तक हल्की फुल्की बारिश के साथ ओले गिरते देखे गए। छीमक से संवाददाता बीरेन पराशर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेश चंद सर है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम छीमक। जो बारिश हुई है इससे फसल में नुकसान हो सकता है? नुकसान है। क्या नुकसान? इसका जो गेहूँ है ना हल्का काला पड़ जाएगा, उसका रंग निकल जाएगा। और अगर इससे ज्यादा बारिश होती है तो? और ज्यादा नुकसान हो जाता फसल का। वो बाल जो बाल होती है ना गेहूँ की, उससे उसका दाना नीचे गिर जाएगा और गेहूँ नीचे अपने आप गिर जाएगा हवा से और पानी से। और ये कटाई कितने दिन रुक सकती है इससे? इतने पानी कम से कम 2 दिन तो रुकी जाएगी। पानी बरस गया उससे क्या वो पड़ जाती है, इससे क्या नमी आ जाती है गेहूँ में।